भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान वरिष्ठ महानुभाव और लाखों की तादाद में आए हुए भाई और बहनों, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है मित्रों। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जिन्होंने 70 साल से दीमक की तरह इस देश को खोखला कर दिया है। आपने हमें 4 साल का वक्त दिया और उसका परिणाम आपके सामने है मित्रों। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे विश्व में भारत का नाम लिया जा रहा है मित्रों, भारत का नाम लिया जा रहा है। आज से 4 साल पहले की बात बताता हूं मित्रों। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां बरसती थी, गोलियां, और सरदार मैडम जी से पूछते थे, मैडम गोली आ रही है, गोली क्या करना है? और मैडम कहती थी, ट्रांसलेट ट्रांसलेट ट्रांसलेट। मेरे आते ही मैंने सेना के जवानों को आदेश दिया कि अगर पाकिस्तान से एक गोली आती है तो उन पे गोले बरसाओ, गोले। और उसका परिणाम देखिए मित्रों क्या है। आज कश्मीर की वो वादियां जो कभी मुरझा चुकी थी वो फिर से खिलखिला उठी हैं, और केसर के वो खेत फिर से लहलहा उठे हैं मित्रों, फिर से लहलहा उठे। लोग कहते थे ब्लैक मनी किधर है, काला धन किधर है, कुछ कहते थे स्विस बैंकों में है। जेटली जी ने मुझे बताया कि काला धन तो वो 500 हजार रुपए के नोटों में है जो हमारे और आपके जेब में है। इन्हीं नोटों से इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने अपने बैंक अकाउंट भर रखे हैं मित्रों, बैंक अकाउंट भर रखे हैं। और मैंने रातों रात ये फैसला लिया कि 500 हजार रुपए के नोटों को बंद कर दो, और उसका परिणाम आपके सामने है। इसका परिणाम देखिए, आज वो भ्रष्टाचारी लोग या तो सलाखों के पीछे हैं या देश छोड़ के विदेश भाग चुके हैं मित्रों, देश छोड़ के विदेश भाग चुके हैं। मैं चाहता हूं कि यह भारतवर्ष जिसे विश्व गुरु का दर्जा था, यहां ये वही भूमि है जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, ये वही भूमि है जहां से स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मुझे वो अवसर मिले कि मैं भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला सकूं मित्रों, विश्व गुरु का दर्जा दिला सकूं। समय का अभाव है मित्रों, उपलब्धियां तो अनेक हैं। भारत माता की।